नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री आज करेंगे लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत। लोक कलाकारों को प्रति परिवार हर साल दिया जाएगा 100 दिन का रोजगार। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जाएगा सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों में गुड टच बैड टच की समझ की जाएगी विकसित। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना बनेगी महिला सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम। स्मार्टफोन पाकर खिले लाभार्थी बालिकाओं और महिलाओं के चेहरे। कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से जयपुर के जवाहर कला केंद्र में लोक कला एवं सामाजिक सुरक्षा उत्सव का आयोजन होगा। इस उत्सव में आज मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जवाहर कला केंद्र में लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत कलाकारों को लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड और वाद्य यंत्र भी वितरित किए जाएंगे। लोक कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए शुरू होने वाले इस योजना में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत लोक कलाकारों को प्रति परिवार हर साल 100 दिन का रोजगार यानी प्रस्तुति देने का मौका मिलेगा। साथ ही लोक कलाकारों को कला से संबंधित यंत्र या उपकरण खरीदने के लिए 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों में गुड टच बैड टच की समझ विकसित करने के लिए सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का आगाज मास्टर ट्रेनर्स की राज्य स्तरीय कार्यशाला के साथ होगा। इस कार्यशाला में स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन के नेतृत्व में गुड टच बैड टच के विषय विशेषज्ञों द्वारा 3 सत्रों में 1200 मास्टर ट्रेनर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। नो बैग डे की गतिविधियों के तहत 26 अगस्त को पूरे प्रदेश में एक साथ सभी सरकारी विद्यालयों में बच्चों के लिए गुड टच बैड टच के बारे में जागरूकता का पहला चरण आयोजित होगा। इसके बाद आगामी अक्टूबर और जनवरी महीने में इसी तर्ज पर सभी स्कूलों में दूसरे और तीसरे चरण में रिपीट सत्र आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर और लाभार्थी महिलाओं छात्राओं को स्मार्टफोन प्रदान कर योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में डिजिटल सखी हैंडबुक सीखो डिजिटल सिखाओ डिजिटल का विमोचन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जनता से किए गए हर वादे को धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। राज्य सरकार के फैसले लगातार इतिहास रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान आईटी के क्षेत्र में देश में नंबर 1 है। अब इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना आईटी के क्षेत्र में क्रांति के साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम बनेगी। योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग हर महिला के हाथ में मोबाइल होगा। वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। प्रथम चरण में आज 40,00,000 मोबाइल फोन बांटने की शुरुआत हो चुकी है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा कदम यह है। वैसे हमने कई कदम उठाए हैं। महिला नीति लेके आए हम लोग 2021 के अंदर लेके आए थे, उनके अनुरूप भी आगे काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि योजना के तहत चिरंजीवी परिवारों की 1,35,00,000 महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। पहले चरण में 40,00,000 महिलाओं और छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जाने की शुरुआत की गई है। हमने एक के बाद एक जो है महिलाओं के किराए में छूट दी है। महिलाओं को बसों के अंदर वो भी बड़ा प्रोग्राम है। पेंशन जो है 1,000 रुपये मिनिमम कर दी है उनके लिए। कोरोना में जो तकलीफ आई है महिलाओं को विधवा हो गई है उनकी पेंशन शुरू कर दी है। 1,00,000 रुपये एक मुश्त दिए गए हैं, अनाथ बच्चों को भी दिए गए हैं। ये कई स्कीमें हैं हमारी है जो आपको मालूम है कि हमने रहता न्यूनतम आय गारंटी एक पास किया है। उनका सबसे बड़ा लाभ मिलेगा महिलाओं को मिलेगा। तो कहने का मतलब कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अलग चल रही है, SC ST की अलग योजना है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग योजना है। और जो सामूहिक विवाह करते हैं तो सामूहिक विवाह के अंदर अगर मान लो अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग जाति के लोग हैं, उसके लिए 10,00,000 रुपये अलग योजना बनी है जहाँ 25 जोड़े आएंगे। तो कहने का मतलब है कि हमने महिलाओं को पहले सशक्त करें देश के अंदर प्रदेश के अंदर, उस दिशा में हमने बहुत तेज गति से आगे बढ़े हैं।
और अब इस प्रदेश के अंदर महिला जो है वो अगर मजबूत होगी तो वो प्रदेश का भविष्य उज्जवल होगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंची लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की तारीफ की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करना चाहती हूँ अपने सीएम सर को, क्योंकि उनकी तरफ से ये फोन मिले है। मैं गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज सांगानेर से हूँ, मेरा नाम राशि शर्मा है, और इस फोन के थ्रू मैं मेरी स्टडीज में काफी अच्छा वेल एंड गुड करना चाहूंगी। जो मेरे को 3 साल तक जो मोबाइल डेटा मिला है उसके थ्रू मैं मेरी ऑनलाइन क्लासेस, जो भी मेरी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी ऑनलाइन फैकल्टीज होगी, फॉर्म होगी, मैं वो सब फिल कर सकती हूँ। तो एक बिग थैंक यू है उनको मेरी तरफ से। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम मानिंदू है, मैं महात्मा गांधी आदर्श नगर गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट हूँ, और मैं सीएम का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने हमारे को स्मार्टफोन दिए और फूड पैकेज दिए, टी शर्ट दिए, और उन्होंने हमारी स्टडी के लिए 3 साल का जॉब भी फ्री करवाया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पाली खर्रा है, मैं मानसूर की रहने वाली हूँ, और मैं सीएम सर को थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें फोन दिया, जिससे कि हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और अभी के यूथ के लिए फोन बहुत जरूरी है, गर्ल्स की सेफ्टी के लिए भी फोन बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आजकल के लिए टाइम भी बचा सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस लेके, और फीस का भी बहुत रहता है कि ऑनलाइन क्लासेस में कोई फीस नहीं लगती, बहुत कम फीस रहती है, पढ़ाई में भी बहुत उपयोग मिलता है। थैंक यू। प्रियंका मावर है, मैं ब्रह्मपुरी गांधी कॉलोनी से आई हूँ, और आज मुझे ये इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत ये मोबाइल प्रोवाइड करवाया गया है। इससे हमें पढ़ाई में बहुत सुविधा मिलेगी, क्योंकि पहले जो मुश्किल आ रही थी और जो कोरोना काल में भी हमें प्रॉब्लम हुई थी वो अब हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो मैं राज्य सरकार को और सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। सैनी है, मैं जयपुर जिले से आई हूँ, ये मैंने प्राप्त किया है, मुझे ये राज्य सरकार ने दिया है, इससे मेरी पढ़ाई में मदद होगी। मैंने लॉकडाउन में बहुत परेशानियाँ झेली है, इससे मुझे मदद मिलेगी, ये मेरी मम्मी के भी काम में आएगा। मेरा नाम आयशा और मैं ही जयपुर की रहने वाली हूँ, और अशोक गहलोत जी को मैं फोन दिया, इससे हमें बहुत सारी फायदे होगी, क्योंकि जो घर वाले अफोर्ड नहीं करवा पाते गर्ल्स को जाकर फोन दिलाना, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया है कि हम फोन में मतलब अपनी आराम से अच्छे से घर पे बैठ के कहीं पर भी बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जैसे कोई कोर्सेज जो चल रहे हैं वो फोन पे अच्छे से कर सकते हैं, और जैसे अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंस रहे हैं तो हम अपने घर वालों को कभी भी इन्फॉर्म करके बता सकते हैं। तो इससे जो सरकार की बहुत सारी जो स्कीम और जो बहुत सारी सुविधाएं जो चल रही है वो हम इस फोन के जरिए से हम उनको पता लगा सकते हैं और उनका फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत सभी जिलों में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्मार्टफोन पाकर लाभार्थी बालिकाओं और महिलाओं के चेहरे खिल उठे और उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया। ये जो योजना अशोक गहलोत जी ने बनाई है, इसका नाम है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन, जो मुझे मिला है आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा मोबाइल है और बहुत यूजफुल है हमारे लिए। हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं इससे, इंडिया के टॉप एजुकेटर से हम घर बैठे अपनी शिक्षा ले सकते हैं। बहुत अच्छा ये अशोक गहलोत जी ने किया है, थैंक यू सो मच। सोचना कौर आई फ्रॉम अलवर राजस्थान, मैं आई टी आई स्टूडेंट हूँ, और मुझे इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की तरफ से एक स्मार्टफोन मिला है, जिससे मुझे पढ़ाई में हेल्प होगी और मैं सेम सबको धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम निष्ठा अवस्थी है, मैं वार्ड 48 अलवर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मुझे इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की तरफ से ये मोबाइल फ़ोन मिला है, और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी पढ़ने में और आगे बढ़ने में मुझे ये देकर के मेरी मदद की है, धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब घरेलू और कृषि बिजली उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज नहीं देना होगा। फ्यूल सरचार्ज की 2500 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। 2500 करोड़ रुपए लगेंगे सरकार के। पहले हमने क्या किया, 100 यूनिट तक फ्री सबकी कर दी, 200 यूनिट तक का किया फ्यूल चार्ज माफ किया, 201 यूनिट होते ही फ्यूचर लगते थे। अब आज जो फैसला किया हमने पूरे प्रदेश के अंदर पूरे उपभोक्ताओं को और गांव के किसानों को तमाम लोगों का फ्यूचर की जिम्मेदारी सरकार ले ली है। 2500 करोड़ रुपये से बहुत बड़ी राहत उनको मिलेगी अब पूरे प्रदेश के अंदर, ये मैं कहना चाहता हूँ। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।